सर आपको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एरिया नोटिफिकेट हुआ है, तो आपने कुछ प्रेस किया है तो आपकी कल मेटक ट्रांसफर कर दी गई है जी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे वो तो ठीक है, आपने मतलब मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे बोला जो आपका नंबर डीएक्टिवेट होने वाला है 9 प्रेस कीजिए, तो मैं 9 प्रेस किया हूँ, बताइए क्या करना, क्या हुआ, ओके सर। सर क्या आपने एक्टिवेशन के लिए अप्लाई किया था? क्या चीज़ के लिए? सिम डीएक्टिवेशन के लिए अप्लाई किया था आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। सर आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए, मैं सिस्टम में चेक करके आपको जानकारी देता हूँ। मेरा नाम शेखर कुमार है। शेखर कुमार? जी 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 ओके सर, लाइन पर बने रहिए, मैं सिस्टम में चेक करके आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, दीजिए। हेलो, हेलो हेलो सर, लाइन पर आने के लिए धन्यवाद। क्या मेरी बात शेखर कुमार से हो रही है? हाँ बताइए। सर जैसा कि हमने सिस्टम में देख पा रहा हूँ, आपके सभी नंबर अगले 2 घंटे के ना डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों डीएक्टिवेट करोगे 2 घंटे में? सर क्योंकि आपके नाम पर एक नंबर रजिस्टर किया गया है जो कि 30 अगस्त 2024 को वही से रजिस्टर किया गया है। कहाँ से? जो कि नंबर है 8161 में वही से नंबर रजिस्टर किया गया है, जो कि नंबर है 8161595157। तो ये कैसे हो गया सर? हेलो हाँ, ये कैसे हो गया? सर, ये तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता हो कैसे किया? ये आपके नाम पर रजिस्टर किया गया, इस नंबर से लोगों को हरासिंग टेक्स्ट मैसेज स्पैम से कॉल की जा रही है, जिसके खिलाफ बहुत से लोगों ने देरी मई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है, इसलिए आपका तमाम नंबर अगले 2 घंटे में डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। अब मैं तो किया ही नहीं हूँ, तो मैं हूँ अभी दिल्ली में, मुंबई में कैसे एक्टिवेट हो जाएगा भाई? तो सर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर हुआ है, तो आपको पता है जब सिम रजिस्टर को आता है तो फिर किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? क्या चीज़ होता है? सर ये नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर किया गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये नंबर के बारे में आपको नहीं पता, आपको कोई जानकारी नहीं है इस नंबर के बारे में? अरे तो क्या करें बताइए, पुलिस के पास जाएं क्या? बोल देंगे नहीं मैं तो क्या ही नहीं हूँ। वैसे सर आपको 2 घंटे, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, 2 घंटे के अंदर अंदर आप मुंबई पुलिस स्टेशन जाके मुंबई, उनसे मैं दिल्ली क्लैरिटी में की हूँ, एक्ट की मांग कर दी है। मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई कैसे जाऊँगा सर? सर तो आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, तो वही तो दो पूछ रहा घंटे हूँ। के अंदर आपने हमें क्लैरिफिकेशन लेटर सेंड करना है, देन आपको कोई नंबर डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो कैसे करें ये बताइए ना, अभी मैं दिल्ली में हूँ तो कैसे करें? सर आपके पास की वे है मुंबई पुलिस से कॉन्टेक्ट करने का? नहीं, आपके सर आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, आपके अरे नंबर बताइए ना, अकाउंट आपके पास करे क्या ये बताइए ना, आप मतलब कैसे मेरा नंबर डीएक्टिवेट कर सकते हो? सर, क्योंकि ये नंबर से लोगों को हरासिंग टेक्स्ट मैसेज स्पैम कॉल धोखाधड़ी के मैसेज किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके इस नंबर के खिलाफ बहुत से लोगों ने रिंग बॉय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। क्या सब मैसेज आ रहा है? मैसेज इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है। वो क्या होता है? सर क्राइम जो होते हैं, ठीक हाँ है, धोखाधड़ी के मैसेज होते हैं, हाँ तो जो फिर कि आपके आधार कार्ड पर नंबर रजिस्टर। तो वो नंबर बंद कर दीजिए ना, वो ही नंबर बंद कर दीजिए। तो सर आपको उससे पहले आप मुझे कुछ सवाल है जो मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप छोड़ा कि जिसे आपने रजिस्टर नहीं की? हाँ, मैं तो नहीं किया हूँ। सर ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्डिंग कॉल है, ओके, अरे मैं तो बोल रहा हूँ जो मैंने, भी आपने सवाल दिया। हाँ सर आप मुझे ये बताइए, आप करते क्या हैं, आप क्या काम करते हैं? सर, मैं तो यहाँ पे दुकान चलाता हूँ। तो दुकान पे तो आप मुझे ये बताएंगे नंबर आपके अलावा कोई और व्यक्ति कैसे रजिस्टर करवा सकता है, जबकि इसके लिए आधार कार्ड चाहिए होता है, आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, ठीक है, एक फोटो चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, तो ठीक ये नंबर फिर आपने रजिस्टर करवाया ना जिससे इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है? अरे इलीगल एक्टिविटीज करी जा रही है, तो मैंने एक्टिवेट कब कराया भैया ये तो बताओ। आप नंबर बंद कर दो, छोड़ो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने एक्टिवेट कराया ही नहीं।